नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास त्रिवेदी और विकास त्रिवेदी जीएस फैकल्टी इस चैनल में आपका स्वागत है। एनसीईआरटी का पूरा दौर चल रहा है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से क्रांति हुई थी, किस तरह से उसका पैटर्न था, किस तरह से कम्युनिकेशन की स्किल्स डेवलप की जा रही थी। लेकिन ये क्रांति क्यों हुई, इसकी वजह क्या थी, इसके पीछे के रूट कॉजेस क्या थे, आज जो हमारा इम्पोर्टेंट सेक्शन है वो है आपका 1.4 र्यूमर्स एंड प्रोफेसिस। देखिए, इसके माध्यम से जो बताने की कोशिश की गई है इस चैप्टर में, ये चैप्टर में बताने की कोशिश की गई है कि वो कौन कौन सी भ्रांतियां थी या वो अफवाहें थी या कभी किसी ने भविष्यवाणी की थी कि भाई ऐसा होगा, एक दिन ऐसा आएगा कि कोई क्रांति होगी, एक दिन ऐसा होगा कि हाँ किसी तरह से इस ब्रिटिश राज के खात्मे का कुछ सबूत हमको मिलेगा, वगैरह वगैरह बहुत सारी तमाम सारी जो है बातें इसमें 1.4 रूमर्स एंड प्रोफेसीज में लिखी हुई है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको चैनल पसंद आ रहा है, आपको वीडियो पसंद आ रहा है, तो प्लीज इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए पढ़ते हैं हम लोग अपने 1.4 र्यूमर्स एंड प्रोफेसीज के बारे में। ठीक है, यहाँ पर हम ये देख रहे थे कि तरह तरह की जो र्यूमर्स और प्रोफेसीज थे, यानी आप ये कह सकते हो अफवाहें थी, और बहुत सारे लोगों ने जो बातें कही थी उन्होंने कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को जहन में बातें डाल रही थी कि जिनके कारण लोगों को ये लगने लगा था कि अब ब्रिटिश राज जो है वो ब्रिटिश राज अब हमको धीरे धीरे इसको खत्म करना है, यानी इनको गोरे लोगों को मार भगाना है। ठीक है, सबसे पहले अगर हम देखें तो र्यूमर्स और प्रोफेसिस की जो बात आई, अब देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन क्या बनेगा कि वो र्यूमर्स क्या थी, ठीक है, और उसके बाद प्रोफेसिस क्या थी, एक एक करके आप इनको बताइए। ठीक है, मैं आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ। पहली सबसे बड़ी रूमर सब लोग पहले भी देख चुके हैं कि जो है एक अफवाह ये आ रही थी कि जो कार्टिजेस है, जो नई बंदूक आई है, उन बंदूक में जो भी कारतूस लगेंगे वो कारतूस के ऊपर जो है गाय और सुअर की चर्बी लगा हुआ जो है ग्रीस लगी हुई है, तो इस वजह से लोगों के धर्म की आस्था पर चोट लगने वाली थी। तो पहले अच्छा अगर मैं बात करूँ इस चीज की कि वास्तव में क्या ये ग्रीस लगे हुए कारतूस जो गाय और सुअर की चर्बी के बारे में जो अफवाहें थी वो सही थी या गलत थी, तो आज दिन तक जितने भी आर्काइव्स हैं, ठीक है, या ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स हैं जो उस समय लिखे गए हैं, उसमें इस बात का कहीं कंफर्मेशन नहीं है कि वास्तव में ऐसा था। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं ये रूमर्स भी हो सकती है, सच भी हो सकता है। अब क्या था ये तो उस समय का इतिहास ही बता सकता है जिसके सबूत हमारे पास नहीं है। तो यहाँ पर जो सबसे पहली जो र्यूमर आई, ठीक है, वो र्यूमर में आप क्या लिखेंगे, पहला जो आप पॉइंट लिखेंगे वो लिखेंगे कि सेपॉयस हु हैड अराइव्ड द दिल्ली फ्रॉम मेरठ हैड टोल्ड बहादुर शाह जफर अबाउट बुलेट्स कोटेड विद द फैट ऑफ काउ एंड पिग्स एंड दैट फाइटिंग दोज बुलेट्स वुड करप्ट देयर कास्ट एंड रिलीजन। तो पहला आप डालेंगे कि यूज ऑफ ग्रीज्ड कार्टिजेस, ठीक है, पहला आप सबसे बड़ा जो जब क्वेश्चन बन के आपके सामने आ गए कि वो र्यूमर्स और प्रोफेसिस क्या थी, तो पहली र्यूमर जो थी वो र्यूमर ये थी कि गाय और सुअर के लगे हुए चर्बी लगे हुए जो कारतूस थे उनका प्रयोग, और ये कहीं ना कहीं जो चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो उनकी धार्मिक भावना पर चोट कर रहे थे। ठीक है, तो पहला आप ये लिखेंगे। दूसरा अगर हम पढ़ते हैं इसी चीज को इसमें यहाँ पर बताया गया है। अच्छा, सीयूटी के लिए आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा कि भाई ये नए कारतूसों की जरूरत क्या पड़ी। जरूरत इसलिए पड़ी दोस्तों क्योंकि एनफील्ड राइफल का यूज शुरू हो चुका था, यानी मार्केट में नई एनफील्ड राइफल या एडवांस राइफल आ चुकी थी। अब आपके लिए क्वेश्चन बनता है, पहला क्वेश्चन एमसीक्यू का क्या बनता है, कौन सी नई राइफलें थी, न्यू राइफल्स कौन कौन सी थी। ठीक है, न्यू राइफल्स कौन थी, तो आप लिखेंगे एनफील्ड राइफल। ठीक है, लेकिन एनफील्ड राइफल का इंडक्शन जो किया गया वो किस राइफल को हटा के किया गया, तो दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपने एग्जाम में लिखते हैं और अगर आप जो है जानना चाहते हैं कि सही नाम क्या है, अगर आप एग्जाम में ये नाम अगर लिखते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे, तो ब्राउन बेस राइफल्स थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एमसीक्यू, आपके जो है क्या कहते हैं सीयूटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो नई राइफल का इंडक्शन हो चुका था एनफील्ड राइफल का, और एनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगते थे उनको उनकी बारूद भरने के लिए उस पर लगे हुए टिप को काटना पड़ता था मुंह से, और इसी टिप पर ग्रीस लगी हुई थी काऊ या पिग के फैट की। तो दोस्तों ये पहला आपका बहुत इंपॉर्टेंट कारण रहा है
र्यूमर्स के लिए। अगर हम दूसरी देखें, दूसरा अगर हम आगे चलते हैं तो हमारे सामने क्या आता है कि एक र्यूमर ये भी आई थी, जो ये र्यूमर जो लिखी गई है, ये कैप्टन राइट जो कमांडेंट थे राइफल इंस्ट्रक्शन डिपो के, उन्होंने अपनी एक जो है घटना को लिखा है, और ये घटना घटी थी जनवरी 1857 में। देखिए, जो क्रांति हुई वो मई में हुई, जो घटना है ये जनवरी की, यानी आप कह सकते हो 4 महीने बाद ही ये जो है र्यूमर्स के चलते ये घटना हुई, ऐसा लोग मानते हैं। और इस राइटअप में कैप्टन राइट ने क्या लिखा, कैप्टन राइट ने ये लिखा है कि भाई जनवरी के महीने में एक जो है खलासी, खलासी आप जानते हैं कि क्या होता है जनरली, एक ड्राइवर और इन सारे लोगों के साथ जो एक सपोर्टिव पर्सन चलता है उसको खलासी बोलते हैं। ये खलासी बेचारा एक निचली जाति का था, और आप जानते हैं कि हमारे देश में जाति प्रथा शुरू से बहुत ज्यादा जो है कहते डोमिनेटिंग रही है। तो अच्छा, उस समय तो आज से 400 साल पहले तो बहुत ही ज्यादा जाति प्रथा हुआ करती थी। तो एक लो कास्ट के खलासी ने, ठीक है, जो दमदम जो आपका मिलिट्री छावनी थी वहां पर जो है काम करता था, और उस खलासी बेचारे को प्यास लगी होगी, तो उसने एक ब्राह्मण जो है सिपाही से कहा कि भैया ऐसा करो कि हमको जरा पानी पिला दो। ठीक है, अच्छा, पानी के लिए पात्र क्या था, पात्र लूटा हुआ करता था। अच्छा, अब जब जैसे ही उस खलासी जो कि निचली जाति का था उसने ब्राह्मण से कहा कि भैया पानी दे दो, तो ब्राह्मण साहब क्या बोलते, ब्राह्मण कहते हैं कि भैया तुम हो नीचे जात के, ठीक है, अछूत टाइप के लोग हो, तुमको अगर हम अपने लोटे से पानी पिला देंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट नहीं हो जाएगा। यानी कहीं ना कहीं हम ये देखते हैं कि जो हमारे यहाँ कास्ट सिस्टम था, कास्ट सिस्टम का भी अंग्रेजों ने भरपूर फायदा उठाया, ठीक है, कास्ट का, फिर उसके बाद धर्म का, फिर उसके बाद जो है क्या कहते हैं विद इन द कास्ट अलग अलग जो है क्या कहते हैं विद इन द कम्युनिटी अलग अलग जो सेक्ट को मानने वाले हैं, धर्म को मानने वाले हैं, या अलग अलग जाति के, उन सब का भरपूर फायदा उठाया। तो जब ब्राह्मण ने कहा कि ऐसा है कि हम तुम्हें अगर अपने लोटे से पानी पिलाएंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, इसी पर वो खलासी क्या बोलता है कि बेटा ऐसा है, तुम्हारा धर्म तो बहुत जल्दी भ्रष्ट होने वाला है। क्यों भ्रष्ट होने वाला है, क्योंकि जो कारतूस आ रहे हैं ना, उनको जब मुंह से काटोगे तो उस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी हुई है। ठीक है, अब दिमाग खराब हो गया भाई साहब जो है क्या कहते हैं ब्राह्मण का। ब्राह्मण ने कहा वो हमारा धर्म तो कहीं ज्यादा भ्रष्ट हो जाएगा अगर जो है अगर इन कारतूसों को हमने अपने मुंह से लगा लिया, लिहाजा ये बात आग में घी का काम कर रही थी। और दोस्तों, इतनी जबरदस्त ढंग से ये र्यूमर फैली कि ब्रिटिश ऑफिसर्स ने बहुत कोशिश की कि इस तरह की र्यूमर्स नहीं है भाई, ये सारी चीजें नहीं है, लेकिन फिर भी कौन मानने को तैयार था। ठीक है, वैसे भी ब्रिटिशर्स कोई ऐसे तो थे नहीं कि जो है ये ब्रिटिशर्स ये अपने इंडियंस के लिए बहुत अच्छी फीलिंग्स रखते हो कि एक बार को मान भी लिया जाए। इनकी ऑपरेसिव पॉलिसीज, इनकी बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज थी जो ये तो सुधार रहे थे समाज को, लेकिन हमारे यहाँ उस ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी ने इन सारी चीजों को मानने से इनकार कर दिया था। लोगों को ये लगने लगा कि भाई ब्रिटिश जो काम कर रहे हैं उससे सबसे बड़ा जो हमारे ऊपर चोट पड़ रही है वो हमारे रिलीजन पे पड़ रही है। ठीक है, तो र्यूमर्स क्या फैली, कारतूस कैसे फैली, ये भी आपको पता हो गया कि कैसे फैली, भाई वो ब्राह्मण और जो है उस निचली जाति के खलासी के बीच में जो वार्तालाप हुई उससे फैली। ठीक है, अगर हम इन चीजों पर बहुत गौर से ध्यान करें तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 1857 की अगर शुरुआत की हम बात करें, ठीक है, 1857 शुरुआत की बात करें या इससे पहले की अगर हम बात करें, तो हुआ क्या करता था कि लोगों के मन में एक बात ये भी आने लगी थी कि ये जो ब्रिटिश अधिकारी हैं, ये जो गोरे व्यक्ति हैं, ठीक है, ये व्यक्ति क्या करना चाह रहे हैं दोस्तों, ये व्यक्ति करना चाह रहे हैं कि इनके धर्म को पूरी तरह से नष्ट कर दो, यानी धर्म के ऊपर, रिलीजियन के ऊपर जो है क्या कहते हैं आप कह सकते हो कि राजनीति हो रही थी, रिलीजन के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही थी। और इसमें एक अफवाह ये भी आई, अब देखिए अब आपके लिए दूसरा पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि अफवाह ये आ रही है कि ये जो गाय और सुअर की जो हड्डियां हैं इनका जो चूरा बनाया गया है वो चूरा किस में मिलाया जा रहा है, बाजार में बिकने वाले आटों में। अब आटा लोग खाते हैं, लोगों को ये लगा कि भैया अगर हमने ये आटा खा लिया तो हमारे नसों में जो है कि कहते हैं गाय माता की जो है पवित्र अस्थियां चली जाएंगी, और इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। वहीं अगर सुअर की हम बात करें तो सुअर मुस्लिम जगत में मुस्लिम्स के लिए हराम है, ठीक है,
उनको अगर सुअर की गाली दे दो तो मतलब जो है कि कितने पहाड़ टूट पड़ता है, ठीक है। तो ये दोनों धार्मिक भावनाओं पर चोट करने वाले इतनी जबरदस्त र्यूमर्स थी कि ब्रिटिश अधिकारी चाहते हुए भी ये नहीं समझा पा रहे थे। यानी उन्होंने भरसक प्रयास किया कि भाई ये ऐसी र्यूमर नहीं है, हम इस तरह से आपके धर्म पर हम किसी भी तरह की हम चोट नहीं करना चाहते, और ये सारी बातें अफवाहें हैं, ठीक है। लेकिन लोग मानने वाले नहीं थे। एक बार देखिए, र्यूमर सच्चाई से ज्यादा फैलती है। अच्छा एक चीज हम आपको बता दें, हमारे यहाँ जो है क्या कहते हैं, अभी थोड़े दिन पहले एक एक्ट भी बना था जिसमें इस र्यूमर्स को खत्म करने के लिए जो है स्पेशल जो है लेजिस्लेशन निकाला गया था। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, ये देखिए आपके करंट और जीके का दोनों का क्वेश्चन बनता है, सीयूटी के लिए इंपॉर्टेंट है कि भाई ये रूमर्स को खत्म करने के लिए कौन सा एक्ट निकाला गया, ठीक है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गई, हालांकि मैं आपको बता दूंगा, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि कमेंट बॉक्स में एक बार आप बताएं जरूर कि हाँ इस रूमर्स को रोकने के लिए कौन सा एक्ट बनाया गया। अच्छा दो कारण तो हो गए जिससे जो है 1857 कि क्रांति का जो है क्या कहते हैं बेस बना, दो रिवोल्ट हो गई, लेकिन प्रोफेसीज में आप क्या लिखेंगे? प्रोफेसीज में लिखेंगे कि 1857 में हुई थी रिवोल्ट, ठीक है। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि प्लासी का जो युद्ध हुआ, बैटल ऑफ प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी बहुत इंपॉर्टेंट, सीयूटी वाले जो है ये अपने दिमाग में रख लें, बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ठीक यहां से 100 साल पहले, ठीक है। किसके बीच में हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हुई थी जो है बंगाल का नवाब था, बंगाल का नवाब, नवाब का नाम क्या था? बंगाल के नवाब का नाम था जो है सिराजुद्दौला, और किसके बीच में हुई थी? ये हुई थी आपकी ब्रिटिश के बीच में, रॉबर्ट क्लाइव के बीच में, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1757 में लड़ाई हुई, ठीक 100 साल के बाद 1857 में क्या हो रहा है? क्रांति हो रही है, और इसी समय एक भविष्यवाणी की गई थी, ऐसा लोगों को लगने लगा था कि ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुई, अब बैटल ऑफ प्लासी 1757, 100 साल पहले, और साफ साफ ये कह दिया गया कि ये जो बैटल ऑफ प्लासी हुई इसके ठीक 100 साल के बाद क्या होगा, इसके ठीक 100 साल के बाद होगा कि ये जो ब्रिटिश रूल है, ये ब्रिटिश रूल वुड केम टू एंड एट द सेनेट सेटेनरी ऑफ द बैटल ऑफ प्लासी ऑन जून 23 जून 1857, ठीक है। तो पहले भविष्यवाणी कर दी गई थी, क्योंकि देखिए बंगाल जितने भी उस समय जनता हुआ करती थी वो अपने नवाब को, अपने राजा को बहुत चाहा करती थी, ठीक है। तो इसमें हम ये देखते हैं कि लोगों को अंग्रेजों से इतनी नफरत हो गई थी उस समय के जितने भी रिलीजियस लोग हुआ करते थे, तो उन्होंने एक तरह से कह दिया था कि ज्यादा दिन नहीं, आप इतना जान लीजिए कि आने वाले 100 सालों में जो ब्रिटिश राज है, इस ब्रिटिश राज का जो है जो झंडा है वो नीचे गिरना ही गिरना है। और मजे की बात देखिए, 1857 की क्रांति हो गई, लोगों को उस भविष्यवाणी, वो लोगों को भविष्यवाणी ध्यान आ गई कि अच्छा ये भविष्यवाणी 100 साल पहले ही कर दी गई थी, तब तो अच्छा है, अब तो जो है क्या कहते हैं 100 साल पूरे हमारे होने वाले हैं, तो अब तो हमारी जीत निश्चित है, चलो रिवोल्ट करते हैं। तो जो प्रोफेसी हुई वो प्रोफेसी पहली कौन सी हुई कि 1857 की क्रांति में, जो कि 100 साल बाद होनी है, उसमें अंग्रेजों का खात्मा हो जाएगा। दूसरी चीज, एक और जो है क्या कहते हैं रिपोर्ट में चीज लिखी गई, और वो चीज लिखी गई कि भाई जो नॉर्थ इंडिया की अगर हम बात करें तो उसमें जो रोटियां थी, रोटियां एक गांव से दूसरे गांव में भेजी जा रही थी, किसका प्रतीक थी ये, ठीक है। आपके सामने क्वेश्चन ये भी बनेगा कि ये बताइए कि ये जो रोटियां भेजी जा रही थी, चपातियां भेजी जा रही थी एक गांव से दूसरे गांव के बीच में, इनका मतलब क्या था? क्या इसका मतलब ये था कि क्रांति को हमें आगे बढ़ाना, क्या इसका मतलब ये था कि कोई जादू टोटका है, या क्या इसका मतलब ये था कि जो विलेज जो है क्या कहते हैं क्रांति में अपना सहयोग करना चाहता है, वो ये जो सिंबल रोटी का बना हुआ, इस सिंबल को एक्सेप्ट करता है या नहीं करता है। तो यहाँ पर तीसरी जो चीज आपके सामने आएगी कि ये जो क्रांति थी, इस क्रांति का की जो आग बढ़ रही थी, इसमें कौन सी ऐसी चीज थी जो लोकल लेवल पर काफी जो है सहायता दे रही थी कि क्रांति वास्तव में आगे बढ़ रही है, डेवलप हो रही है, धीरे धीरे आगे फैल रही है। तो उसमें क्या था कि जो चपाती हुआ करती थी, विलेज का जो मुखिया हुआ करता था या जो वॉचमैन हुआ करता था, ये क्या करता था कि एक गांव से दूसरे गांव में जो रोटी है, ठीक है, उसमें एक नाम और आता है
जो है चपाती के साथ साथ लोटस ये फ्लावर भी जो है भेजा जाता था। अब इसमें नहीं लिखा हुआ लेकिन मैं आपको बताता हूं। तो एक गांव से रोटी गई दूसरे गांव में, अगर उस गांव ने वो रोटी एक्सेप्ट कर ली तो समझ लीजिए कि क्रांति जो है उस क्रांति में ये वाला नेक्स्ट वाला विलेज भी शामिल हो जाएगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अलग अलग संकेतों के द्वारा अलग अलग जो है बेस पर ये जो क्रांति थी ये क्रांति की आग आगे बढ़ रही थी। तो दोस्तों यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन का एक सोल्यूशन मैंने सरल शब्दों में बताने की कोशिश की है कि किस तरह से इन प्रोफेसिज और र्यूमर्स पर विश्वास किया जा रहा था और किस तरह से इस क्रांति के जो है डोर को आगे लंबा किया जा रहा था। अब दूसरी चीज आती है, ऐसा क्या था कि इन र्यूमर्स पर लोगों को विश्वास हो गया था। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो पहली बात तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये भविष्यवाणियां जो लोगों को या ये जो र्यूमर्स लोगों को ताकत दे रही थी ये सही है, ठीक है, राइट है या रॉन्ग है कुछ इसका पता नहीं है। ठीक है, सब अफवाहें, देखिए अफवाहें सही नहीं होती हैं, लेकिन हमारे इतिहास में ऐसा लिखा गया है कि कितनी भी चीजों अगर एक बात को 100 लोग कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं सच्चाई हो सकती है, या अगर कहीं से धुआं उठ रहा है तो कहीं ना कहीं चिंगारी जरूर भड़की। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो है देखने की इस वाले टॉपिक में बताने की कोशिश की गई है कि वो कौन कौन सी चीजें थी जिनके आधार पर इन र्यूमर्स को सही माना जा रहा था। ठीक है, आप यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जो लोग थे, ठीक है, उनकी मानसिकता से ये पता चल रहा था कि ये जो अफवाहें और ये भविष्यवाणियां हैं, ठीक है, वो जो भविष्यवाणियां हैं ये लोगों के जहन में बहुत दिनों से जो डर दबा हुआ था उस डर में एक इस तरह की चीजें हुई कि उस डर को एक यकीन में बदला गया। कैसे बदला गया कि 1857 की अगर हम बात करें तो अंग्रेजों ने 1820 के आसपास जो नीतियां बनाई थी, ठीक है, उन नीतियों के चलते कुछ ऐसी नीतियां भी थी जिनके वजह से लोगों को लगने लगा था कि भाई ये जो ब्रिटिश राज है ये ब्रिटिश राज हमको तबाह करने आया है। ठीक है, बहुत सारी पॉलिसीज ऐसी थी। यहाँ पर हम ये देखते हैं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट गवर्नर का नाम आता है लॉर्ड विलियम बेंटिक। देखिए दोस्तों आपकी सीयूटी के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ कि लॉर्ड विलियम बेंटिक वॉज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, और ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया की जो पोस्ट आई थी ये आई थी आपकी चार्टर एक्ट 1833 में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके इसको अपने नोट्स में बना लीजिए। वो सारे लोग जो सीयूटी की तैयारी कर रहे हैं इतिहास से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है मैं गारंटी देता हूं कि जितना मैं आपको बता रहा हूं उससे बाहर के क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, तो लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में जो है ये सोचा गया कि भारत में बहुत सारे ऑर्थोडॉक्स समाज है, इस समाज का हम किस तरह से रिफॉर्म कर सकते हैं। तो देखिए अगर क्वेश्चन आपका ये बनता है एकेडमिक्स में कि इन अफवाहों पर विश्वास क्यों किया जा रहा था, तो पहला आप ये लिख सकते हैं कि इंडिया ऑर्थोडॉक्स था और ब्रिटिश रिफॉर्म के कारण लोगों को ये लगने लगा था कि ये जो ब्रिटिश लोग हैं ये हमारी सदियों से चली आ रही परंपराओं को तोड़ने जा रहे हैं नए कानूनों के द्वारा। ठीक है, नए कानून इसमें कौन से थे, यहाँ आप देख सकते हैं द ब्रिटिश एस्टेब्लिश लॉ टू एबॉलिश कस्टम लाइक सती, बहुत इंपॉर्टेंट है सीयूटी के लिए 1829, एंड टू परमिट रीमैरिज ऑफ हिंदू विडोज। देखिए दो चीजें। अब भाई अगर हम पश्चिमी देशों की बात करें तो उसमें सती प्रथा तो मतलब दूर दूर तक किसी के जहन में आ ही नहीं सकता कि सती प्रथा भी कोई प्रथा होती है कि भाई पति मर गया है तो उसके साथ पति की लाश के साथ पत्नी को भी लिटा दिया जाए, वो भी चल के बेचारी मर जाए। तो लोगों ने, अंग्रेजों ने ये देखा कि ये प्रथा तो भाई बहुत बुरी प्रथा है, तो इसके लिए स्पेशल एक्ट बनाए गए। ठीक है, हिंदू विडो विधवाएं, अब विधवाओं पहले बाल विवाह हुआ करता था, मान लीजिए जो है जो बाल विवाह हुआ है अब जो बच्चा है जो लड़का है उसकी डेथ हो गई तो सारी उम्र उस बेचारी लड़की को जो है इस विधवा का जीवन व्यतीत करना पड़ता था। मान लीजिए 15-16 साल में अगर कोई लड़की विधवा हो गई तो उसके लिए पूरे पूरा जीवन एक बोझ बन जाता था क्योंकि विधवाओं को किसी भी तरह की कोई भी परमिशन नहीं थी। तो अंग्रेज एक तरफ ये देख रहे थे कि भाई हम समाज को सुधारें, हम मॉडर्न बनाएं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ के जो कम पढ़े लिखे लोग थे उन्होंने कहा अरे
ये तो गड़बड़ हो गया, हमारी प्रथाओं पर जो है अंग्रेजी कानून बन के आ रहे हैं, पक्का ये हमारे जो है देश को, हमारे धर्म को नष्ट करने वाले हैं। तो ये वजह थी, एक तो वजह ये थी कि अंग्रेजों के बनाए हुए नियम, दूसरा जो ऑर्थोडॉक्स समाज था, दोनों का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ ना कि लोगों को ये लगने लगा कि भाई अब जो है ये अंग्रेज जो भी करेंगे वो हमारे खिलाफ करेंगे। और इसी समय अगर छोटी सी भी कोई बात हो जाती थी तो वो जो है क्या कहते हैं रूमर्स की तरह पूरे समाज में उड़ जाती थी। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं ये सारी चीजें हुई। अच्छा, दूसरी चीज क्या आ रही थी, तो पहले तो जो है जो ऑर्थोडॉक्स समाज था उसको, उसकी जो उस समय समाज में फैली हुई जो सोशल इविल्स थी उनको दूर किया जा रहा था। दूसरी चीज क्या आ रही थी, दूसरी चीज ये आ रही थी कि भाई वेस्टर्न एजुकेशन को डेवलप किया जा रहा था। देखिए ये भी आप लिखेंगे दूसरा पॉइंट, वेस्टर्न एजुकेशन को डेवलप किया जाता है। वेस्टर्न एजुकेशन को डेवलप किया जा रहा है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर जो भी एजुकेशन का सिस्टम है उसको हटाकर डेवलप किया जाएगा ना। ठीक है, याद रखिएगा कि 1813 की अगर हम बात करें तो इसमें क्रिश्चियन मिशनरीज इंडिया में आई थी, जिनका ये काम था कि जो है इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना। ठीक है, अब इंग्लिश एजुकेशन को अगर प्रमोट करेंगे तो जाहिर सी बात है जो भारतीयों का क्या हो जाएगा, एक विदेशीकरण कर दिया जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बहुत सारे लॉज ऐसे बनाए जा रहे थे जिनके कारण लोगों को ये लग रहा था तो वो समाज को सुधारने के लिए, लेकिन ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी जो इंडिया की थी वो ये सोचती थी कि अरे ये हमारे जो है रीति रिवाजों पर जबरदस्ती नई पॉलिसी बना रहे हैं, जैसे इन्होंने ऑपरेसिव रिवेन्यू पॉलिसी बनाई इसी तरह से ये भी पॉलिसी बना रहे हैं। दूसरी चीज क्या हो रही थी कि वास्तव में पॉलिसीज तो ब्रिटिश की ऐसी थी जो दिल दहला देने वाली थी, इनके मन में किसी भी तरह से इंडिया इंडियंस के लिए कोई भाव तो थे नहीं, है ना। तो यहां पर हम ये देखते हैं कि सब्सिडरी अलायंस और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, ये दो ऐसी योजनाएं थी या ऐसी पॉलिसीज थी जिन्होंने क्या किया, एक के बाद एक रियासतों को क्या क्या करने लगे, ये रियासतों को अपने धोखे से अपने जो है अंग्रेजी राज में मिलाने लगे। ठीक है, अब इसमें हम ये देखते हैं कि वो कौन कौन से राज्य थे जो जो है सब्सिडी अलायंस या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के कारण मिलाने लगे। यहां पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ साफ साफ, टू एक्सप्लोर द बेसिस ऑफ द रिवोल्ट 1857 इन सम डिटेल्स लेट अस लुक ऑन द अवध, वन ऑफ द मेजर सेंटर वेयर द ड्रामा ऑफ 1857 अनफोल्डेड। यहाँ पर यह बात कही गई है कि जैसे किसी में लिखा हुआ है कि सतारा हो गई, संभल हो गई, ठीक है, और उसके बाद झांसी हो गई, ये अलग अलग ऐसे राज्य थे। देखिए सतारा, संभल, जैतपुर, ठीक है, झांसी, ठीक है, उसके बाद फिर आपका मराठा, ये सारे एम्पायर ऐसे थे, ये सारे जो है राजे रजवाड़े ऐसे थे जिनको या तो सब्सिडरी अलायंस के द्वारा जो है धोखे से राज्य हड़प लिया गया या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत हड़प लिया गया। कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत कौन सा जो है राज्य हड़पा गया था, आप मुझे जरूर बताएं। ठीक है, अब क्या था कि ये जो जनता थी ये अपने राजाओं को बहुत चाहती थी, अब राजाओं के साथ धोखा किया गया तो ये जनता जो है अंग्रेजों को पूरी तरह से अपना यानी दुश्मन मानने मानने लगी थी। यानी अगर अंग्रेज अच्छा भी करते थे तो हिंदुस्तानियों की निगाहों में बहुत बुरा होता था, और इनको कहीं ना कहीं धर्म की आस्था से जोड़ दिया जाता था, कहीं ना कहीं जो है क्या कहते हैं इनको कल्चर की आस्था से जोड़ दिया जाता था। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि पॉलिसीज प्लस रिफॉर्म, ठीक है, इन वजहों से इन जो है जो प्रोफेसीज थी या र्यूमर्स थी इस पर लोग विश्वास कर लिया करते थे। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सामने आ रहा है, अवध इन रिवोल्ट। अवध, जिस तरह से मैंने आपको बताया शुरुआत में बंगाल बहुत ही प्रॉस्परस इलाका माना जाता था, वैसे ही हम नॉर्थ की तरफ हम देखें तो ये जो अवध का इलाका था, अवध की जो रियासत थी, अवध की रियासत की अगर हम बात करें तो निजाम उल मुल्क, याद रखिएगा इन्होंने अवध की रियासत को बसाया था, बहुत इंपॉर्टेंट सीयूटी के लिए क्वेश्चन, निजामुल मुल्क, ठीक है, अवध रियासत। और इन्हीं के आगे में एक जो है क्या कहते हैं नवाब बने जो लोगों के बहुत प्रिय नवाब थे, नवाब थे शुजाउद्दौला। ठीक है, ये अवध के नवाब शुजाउद्दौला थे, इन्होंने
बैटल ऑफ बक्सर में पार्टिसिपेट किया था। याद रखिए बैटल ऑफ बक्सर 1764। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट जो है खबर जो है सॉरी जो है पॉइंट था, तो प्लीज पॉज करके आप इसको जो है नोट्स में अपने लिख लेंगे। अब यहाँ देखते हैं अवध। अच्छा, जिस समय की ये घटना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एज इट क्वेश्चन में इसी तरह से पूछ लिया जाएगा एकेडमिक्स में कि पर्टिकुलर इस लाइन का मतलब क्या है। ठीक है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स हमेशा मैं आपसे कहता हूँ कि प्लीज इसको जरूर देखा करिए, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ही आपके एकेडमिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जो है क्या कहते हैं पढ़ते रहे डालता हूं मैं। तो प्लीज एक बार जो है क्या कहते हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि उनको भी एग्जाम में काफी कुछ एक्स्ट्रा मिले, ताकि उनको एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाए। अब बात चल रही है एक ऐसे वायसराय की, सॉरी गवर्नर जनरल की, जो भारत में वास्तव में एक अमरीश पुरी टाइप का विलेन बन के आया था। वो ये कहता था कि इंडिया में को जितना हम जो है इसके रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सकते हैं उतना हम करेंगे। क्या कर सकते हो तुम? खाली गाली ही दे सकते हो और कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि पावर अल्टीमेट किसके पास है? ब्रिटिश राज के पास है। और वो गवर्नर थे साहब लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को कहा जाता है मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टेटमेंट वाले में आ सकता है, सीयूटी में आपका पूछा जा सकता है, सिविल सर्विस में पूछा जा सकता है कि मॉडर्न मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया किसको कहते हैं, तो लॉर्ड डलहौजी को कहते हैं। और लॉर्ड डलहौजी की साहब निगाह, और लॉर्ड डलहौजी ने कौन सी पॉलिसी जो है इंट्रोड्यूस की थी आपको कमेंट में बॉक्स में बताना कि विच पॉलिसी वॉज इंट्रोड्यूस बाई लॉर्ड डलहौजी। और वो पॉलिसी खैर मैं आपको बता देता हूँ, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। ठीक है, तो यहाँ पर जब ये वायसराय साहब, ये गवर्नर जनरल साहब आए थे, तो उन्होंने सबसे पहली जो है जो सब्सिडियरी अलायंस में जो पेंशन दी जाती है, ठीक है, जितने भी राज्य को हड़प लिया गया उसका जो राजा उसको पेंशन देके ठीक है हटा दिया जाता था, इन्होंने क्या किया कि पेंशन सबकी बंद करवा दी। नाना साहब जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं, जिन्होंने कानपुर में रिवोल्ट को संभाला था, ये इसी तरह के जो है बेचारे भुक्तभोगी थे कि इनको पेंशन तो मिला करती थी, लेकिन डलहौजी ने कहा कि भैया हम अपने खर्चे भी दूसरों को क्यों खिलाएं, बंद करो सबकी पेंशन। तो ऐसे समय में बेचारे ये राजा साहब ये जितने भी थे सब बेरोजगार हो गए, है ना। तो एक तो इनका ये सिद्धांत है, दूसरा इन्होंने कह दिया कि जिनके अपने बच्चे नहीं होंगे, अपना लड़का नहीं होगा, गोद लिया हो लड़का है, तो हम ऐसे जो है राज्य को नहीं मानेंगे, हम क्या करेंगे, हम उस राज्य को हड़प लेंगे, है ना। तो यहाँ पर अवध एक ऐसा जो है राज्य था जहां पर निगाह डलहौजी की बहुत दिनों से लगी थी, और डलहौजी ने अवध को एक चेरी जैसा स्वीट ठीक है फ्रूट मान लिया। और लॉर्ड डलहौजी ने कहा कि भाई ये चेरी तो मेरे मुंह में जाएगी, ये चेरी तो मुझे खानी ही खानी है। यानी यहाँ खाने का मतलब क्या है, कंस्फिस्केट कर देना, एनेक्स कर लेना। ठीक है, और यही हुआ। यहाँ पर मैं आपको जस्ट बताता हूँ कि क्या हुआ। बात यह हुई कि बहुत पहले 1800 एक या दो की अगर मैं बात करूं आपसे, तो उसमें अवध को पहले ही सब्सिडरी अलायंस के थ्रू ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए डेटा, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नोट डाउन कि सब्सिडरी अलायंस के तहत 1801 में अवध को पहले ही मिला लिया गया था, लेकिन अभी भी अवध स्वतंत्र था एक तरह से। और डलहौजी ने कहा कि भाई ये पैसे वाला जो है क्या कहते हैं क्षेत्र है, ये तो हमारे राज्य में मिलना ही चाहिए, लेकिन करें क्या, क्या इन पर चार्ज चार्ज लगाया जाए। तो नवाब को जो है क्या कह दी, अच्छा सब्सिडी अलायंस मैं आपको बता दूं ये किसने शुरू किया। देखिए शुरू करने की बात तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सिस्टम था ये धीरे धीरे इवॉल्व हुआ, और ये जो सिस्टम इवॉल्व हुआ ये किसने शुरू किया, मतलब मॉडिफाई पहले भी था। 1765 की जो इलाहाबाद की संधि हुई थी ठीक है, उसमें भी ये शर्त रखी गई थी कि आपका आपको जो है मिलिट्री नहीं रखनी है, आपको डिफेंस पावर नहीं दी जाएगी, आपको आपका रेवेन्यू पावर छीन लिया जाएगा, आपका डिप्लोमेटिक पावर छीन लिया जाएगा। तो सबसे और इसके बदले में आपको क्या दिया जाएगी, पेंशन दी जाएगी। तो ये सारी चीजें तो पहले डिक्लेयर हो चुकी थी, लेकिन इसको काफी मॉडिफाइड किया वो किसने किया, लॉर्ड वेलेस्ली 1798। ठीक है, सारी चीजें यहाँ पे लिखी गई हैं कि सब्सिडी अलायंस में क्या हुआ करता था। अच्छा सब्सिडी अलायंस जो हुआ करता था वो ये हुआ करता था कि मान लीजिए कोई कॉमन जो एक एनिमी है, एक हिंदुस्तानी राजा है उसका कोई एनिमी है, अंग्रेज बिना मतलब पहुंच जाते थे एक राजा के पास, कहते थे कि भाई ये जो तुम्हारा जो
दूसरा वाला राजा तुमको तंग कर रहा है, आओ दोनों मिलके इसको खत्म करें। दोनों मिलकर अगर खत्म कर देते थे तो जो जिसकी सहायता अंग्रेजों ने की वो राजा खुश हो जाते थे। वो कहते थे कि बताओ क्या चाहिए तुमको। तो ब्रिटिश धीरे धीरे करके क्या कहते थे साहब हमारे सेना को आप खिलाई पिलाई अपने यहाँ रखिए। उसके बाद क्या कहते थे कि भाई एक रेजिडेंट हमारा आपके यहाँ रहेगा, लेकिन वो कुछ बोलेगा नहीं। अब यू सपोज कि अगर कोई रेजिडेंट रह रहा है दरबार में बैठ रहा है, तो दरबार में जितनी भी कार्रवाई होंगी वो जानेगा भाई, आपको बोलेगा नहीं लेकिन अपने अधिकारी को तो बताएगा ना। तो धीरे धीरे हम ये देखते हैं कि चाहे वो मराठा हो, चाहे जो है क्या कहते हैं अवध हो, चाहे बंगाल हो, चाहे जो है कर्नाटक कर्नाटक का इलाका हो, कोई भी इलाका हो, ठीक है, धीरे धीरे क्या हो रहा था, सब्सिडी अलायंस जो वेलेजली ने मॉडिफाइड किया था 1798 में, ठीक है, सब्सिडी अलायंस के कारण धीरे धीरे क्या हो रहे थे, लोग जो राज्य थे वो हड़पे जा रहे थे। और दूसरा अवध के साथ, झांसी के साथ जो लॉर्ड डलहौजी की पॉलिसीज थी जिनके द्वारा इनको हड़प लिया गया, ठीक है, वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी। तो इन पॉलिसीज के चलते ठीक है क्या हुआ कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स तो वहां अवध पे लग नहीं सकता था, तो अवध में क्या चार्ज लगाया गया, अवध में कहा गया कि आप अपनी जनता का ख्याल नहीं रख पा रहे हैं, आपको क्या किया जा रहा है कि देश से आपके दरबार से आपके राज्य से निकाला जा रहा है। यानी अवध पर किस चीज का जो है चार्ज लगाया गया, माल एडमिनिस्ट्रेशन का, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, माल एडमिनिस्ट्रेशन का जो है चार्ज लगा दिया गया। तो यहाँ पर इसी तरह से ये जो चेरी थी, चेरी मीन्स अवध, और जो है कहते हैं ड्रॉप इन माउथ का मतलब एनेक्सेशन इन द ब्रिटिश राज, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ये भी इसी तरह एज इट आपका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द लाइफ वॉज गॉन आउट ऑफ द बॉडी। देखिए अवध का जो नवाब था, ठीक है, अवध के नवाब का नाम, उस समय जो नवाब थे उनका नाम था नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। वाजिद अली शाह के बारे में कहा कहा जाता है, वाजिद अली शाह, ठीक है, गाने बजाने के लिए, ठीक है, बहुत सारे जो है आर्ट्स के भरपूर तो जो है ये व्यक्ति हुआ करते थे। और जो व्यक्ति जो है कहते कलात्मक होता है वो व्यक्ति निर्दयी नहीं हो सकता है, इसीलिए जो है वाजिद अली शाह को वहां की जनता, अवध की जनता बहुत प्यार करती थी, बहुत सम्मान करती थी। लेकिन जब इन पर धोखा, वो जो है कहते सॉरी माल एडमिनिस्ट्रेशन का चार्ज लगाया गया, और इस चार्ज के लगाने के बाद जब नवाब वाजिद अली को जो है डिथ्रोन कर दिया गया, और उनको कहाँ भेज दिया गया, कलकत्ता भेज दिया गया। देखिए आपके एकेडमिक्स और सीयूटी दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसमें आप देख सकते हैं कि वाजिद अली शाह को अवध से निकालकर 1856 में कहाँ जो है भेज दिया जाता है, कलकत्ता भेज दिया जाता है। और कौन सा चार्ज लगाया जाता है, मिस गवर्नेंस का चार्ज लगाया जाता है। लेकिन जनता इस बात को मानने के लिए दोस्तों बिल्कुल तैयार नहीं थी कि उनका नवाब जो है क्या कहते इस तरह से माल एडमिनिस्ट्रेशन करता है, क्योंकि जनता को अपना जो राजा था, अपना जो नवाब था, वो बहुत ही प्यारा था। और इन्होंने क्या कहा, इन्होंने ये कहा एक फोक सॉन्ग के माध्यम से कि अंग्रेज बहादुर आइन मुल्क लई लीन हो, ठीक है। और जहाने आलम कहा जाता था, जहाने आलम यानी जहान मीन्स दुनिया, आलम मीन्स सॉरी जहां आलम का मतलब ये होता है कि ये दुनिया का जो है जो चीफ टाइप का है वो चीज है ना। तो यहाँ पर हम ये देखते हैं कि जब बहादुर शाह जफर को, सॉरी आई एम सॉरी, ठीक है, जब वाजिद अली शाह को अवध से निकाल कर कलकत्ता की तरफ भेजा जा रहा था कानपुर के रास्ते, तो बहुत दूर दूर तक जो है जनता उनके साथ रोती बिलखती चली जा रही थी, और ये फोक सॉन्ग गा रही थी। अच्छा, अब ये फोक सॉन्ग गा रही थी और कह रही थी कि अब सिर्फ जो है क्या कहते हैं शहर जिंदा लाश की तरह है, क्योंकि जो शहर की आत्मा थी, जो अवध की आत्मा थी, और अवध की आत्मा कौन थी, जहाने आलम, जहाने आलम मतलब नवाब वाजिद अली शाह, ठीक है। ये जब राजा ही नहीं, हमारे प्यारे जो है कहते नवाब साहब ही नहीं है, तो ये शरीर, ये जो है शरीर रूपी जो क्या कहते अवध है, ये अब बेजान हो चुका है, क्योंकि इसकी आत्मा तो चली जा रही है। और इसी के साथ साथ हम ये देखते हैं कि चूंकि कलात्मक टाइप के जो है ये नवाब हुआ करते थे, इसीलिए इनके दरबार में जो म्यूजिशियन थे, डांसर्स थे, आर्टिसंस थे, इनके अपने जो है पर्सनल काम करने के लिए जितने भी लोग थे, चूंकि उनकी रोटी वाजिद अली शाह के रहने पर ही चलती थी, वाजिद अली शाह साहब नहीं थे तो इनकी रोटी भी बंद हो गई थी। और इनको सबसे बड़ा जो दुख सता रहा था, वो दुख क्या सता रहा था कि अब इनकी जो जिंदगी है वो कैसे गुजर बसर हो सकेगी। तो दोस्तों
इस वीडियो में यहीं तक, और आगे हम 2.3 के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।